हेलो दोस्तों, अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बेदांत मराठे बीरदौले साथ में उन्हें महाराज शिवाजी के लुक के लिए ट्रोल किया गया है। लेकिन क्यों, बताएंगे आपको पांच वजह जो शरद केलकर को अच्छे से फिट बनाती है। दरअसल जैसे अक्षय ने शिवाजी वाले गेटअप की वीडियो शेयर की, वैसे लोगों का गुस्सा फूटा और उन्हें इंटरनेट पर घसीटा गया। शिवाजी महाराज वो महापुरुष हैं जिन्हें पूरा भारतवर्ष भगवान के स्वरूप में पूजता है। ऐसे हैं हमारे शिवाजी महाराज। पर्दे पर इनके कई बार किरदार निभाए गए हैं। इनके शख्सियत का ऑरा इतना बड़ा है जिनके सामने बड़े बड़े गाथा मात्र एक तुच्छ सामान है। ऐसी महापुरुष के परछाई को निभाने के लिए आपको सिर्फ वस्त्र नहीं बल्कि इनके जैसा हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज भी पब्लिक को चाहिए। अक्षय कुमार को इस किरदार में देखकर लोगों को रहा नहीं गया। वो इस तरह के अपमान बर्दाश्त न कर सके। अक्षय के शिवाजी महाराज वाले इस रोल के पीछे लगे झूमर ने बवाल कर दिया। मेकर्स को यह समझ में कब आएगी कि शिवाजी महाराज की यह कहानी ऐतिहासिक है, जिस वक्त बिजली के बल्ब का आविष्कार भी नहीं हुआ था। अक्षय कुमार से शरद कई मायने में इस किरदार के लिए अच्छे है। नंबर वन, कमिटमेंट। इस महापुरुष के किरदार करने के लिए कमिटमेंट की जरूरत है जो पूरी तरह से आपको शिवाजी महाराज बनाती है, जो तानाजी में शरद ने कर दिखाया। नंबर टू, एक्टिंग। भाई, एक्टिंग के मामले में अच्छे 40 दिन लेते हैं किसी भी फिल्म को खत्म करने के लिए, पर इस फिल्म के किरदार के लिए धैर्य के साथ अच्छी स्किल की भी जरूरत है, जो शरद इसके लिए परफेक्ट। नंबर थ्री, आवाज। ऐसे महान शख्सियत के किरदार के लिए आपको सिर्फ एक्टिंग स्किल नहीं बल्कि वॉइस स्किल भी आनी चाहिए, जिसके एक शब्द से दिल की धड़कन तेज हो जाए। लेकिन अक्षय कुमार इसके आसपास भी नहीं है। आपको क्या लगता है कौन है शिवाजी के किरदार के लिए परफेक्ट? जो भी लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखते रहे हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।